हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.4 बताया था, तो आज मैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन यूज होंगे। ठीक है, तो आइए इसको यूज करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मैंने cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसको इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लेट मानेंगे कि लेट y इक्वल्स cos x, cos 2x और cos 3x है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं लेट y इक्वल्स, इसका जो वैल्यू होगा इसको हम y मान लेते हैं, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, मान लिया। अब इसमें आप क्या करिएगा कि दोनों तरफ हम log पुट कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ जैसे ही log पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स इसके साथ log लग जाएगा, तो log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो जाएगा। ठीक है, log लगने पे, और आप log का तो प्रॉपर्टी जानते ही होंगे, जो कि अगर इंटू में होता है तो सारे के पास साथ log आ जाता है और वो पॉजिटिव प्लस के साइन के साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ log हो जाएगा, log y इक्वल्स सारे के साथ log जाएगा और इंटू की जगह प्लस हो जाएगा, तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x हो गया, सारे के साथ चला गया log। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो log y पर इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में, तो log y का जैसे ही डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो log y का क्या होगा, 1/y, और जो कि हमको इसको x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका dy / dx भी होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना था तब ये dy / dx x के रिस्पेक्ट में आया ना। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएट होता है 1/x, मीन्स 1/ cos x हो जाएगा, cos x का तो डिफ्रेंशिएट हो गया। अब चेन रूल से cos x का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x हो गया, ऐसे लिखा जा सकता है ना इसको। अब फिर देखिए इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, log x तो 1/x, तो 1/x तो cos 2x यहाँ हो जाएगा नीचे में, ऊपर 1 है। ठीक है, और फिर जब cos 2x इसका भी डिफ्रेंशिएट होगा तो ये माइनस साइन 2x हो जाएगा ना, तो ये माइनस साइन 2x हो गया, है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए log 3, log cos 3x है तो log x, x का जगह तो ये पूरा cos 3x है, तो फिर यहाँ पर भी 1/ cos 3x आ जाएगा, और cos 3x से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो माइनस साइन 3x हो जाएगा ना, तो ये माइनस साइन 3x हो गया ना, तो ये। अब जब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे और y को इस साइड ले आएंगे, तो देखिए dy / dx यहाँ पर आ जाएगा और ये जो y है 1/y वो इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ dy / dx बचेगा और ये माइनस साइन x है / cos x है, साइन x / cos x क्या होता है, टेन x होता है, तो माइनस टेन x हो जाएगा, इसका क्या होगा, माइनस तो है ही, प्लस माइनस माइनस हो गया, और साइन x / cos x क्या हो जाएगा, टेन x, x की जगह तो 2x लिखा हुआ है तो यहाँ 2x दे देंगे। अब यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो गया, और साइन 3x / cos 3x क्या हो जाएगा, टेन 3x मीन्स टेन x हुआ ना, और फिर ये जो y था इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो इसको हम इंटू y कर दिए, हो गया। अब देखिए, अब dy / dx तो लिख देंगे जैसा था, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो सारे के साथ पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो यहाँ देखिए टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स प्लस टेन थ्री एक्स हो गया ना, इंटू वाई, वाई का वैल्यू हम क्या माने थे, तो वाई का वैल्यू जो है कॉस एक्स, कॉस टू एक्स और कॉस थ्री एक्स है, तो वाई का वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे, कॉस एक्स कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। ठीक है,
तो डी वाई बाई डी एक्स का ही ना वैल्यू हमको निकालना था, तो इसका तो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन हो गया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है, तो क्वेश्चन नंबर टू हमारा है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसको ब्रैकेट में डाल दिए, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ये जो सारा है ये अंडर रूट में है, तो ये रूट के अंदर है, ठीक है। तो हमको इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसमें भी लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल्स ये, तो ये लेट वाई इक्वल्स ये मान लेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये जो रूट है इसका वैल्यू तो वन बाई टू होता है, तो इसका वैल्यू वन बाई टू हम लिख देंगे, तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है। और इसमें जो अंडर रूट था इसका वैल्यू तो हाफ होगा, तो इस पर हम वन बाई टू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, जब इसमें दोनों तरफ लॉग लिया जाएगा तो यहाँ क्या होगा, लॉग वाई, और इसके साथ जब लॉग पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है। और इस पर वन बाई टू पावर चढ़ जाएगा जो हाफ था, ठीक है। अब देखिए लॉग एम टू दी पावर एन है, तो लॉग एम टू दी पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम, ठीक है। तो हम इसको उसी फार्मूला पे पुट करते हैं, तो देखिए कैसे होगा, लॉग वाई इक्वल्स एन लॉग एन होगा, तो मीन्स एन क्या है यहाँ वन बाई टू, वन बाई टू आगे आ जाता है जब भी लॉग के साथ पावर रहता है, और ये जो एक्स है लॉग एक्स, तो ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, लॉग आया, और ये जो है वो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो ये अब लिखा गया। अब देखिए अभी आप देख रहे हैं वन बाई टू, ये लॉग एम बाय एन के फॉर्म में, और जब लॉग एम बाय एन के फॉर्म में होता है तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं फॉर्मूला पे, लॉग एम माइनस लॉग एन, मीन्स लॉग एम इसको एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू लिख देंगे, उसके बाद माइनस लिखेंगे, फिर लॉग पुट कर देंगे, फिर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव पुट कर देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ लॉग वाई इक्वल्स वन बाई टू लॉग एम बाय एन है, तो लॉग एम होगा पहले, तो लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, लॉग एम हो गया माइनस लॉग एन, मीन्स लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, तो ये लॉग एम बाय एन के फॉर्म में आ गया, और ये जो वन बाई टू दोनों के साथ है तो एम बाय एन के फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में, तो लॉग एम इंटू एम में जब भी रहता है तो लॉग एम प्लस एन लॉग एन के फॉर्म में आ सकता है ये, तो इसको भी उस फॉर्मूले पे हम पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई, इसमें सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है, समझ में आ रहा है ना, लॉग का जो फार्मूला होता है प्रॉपर्टी होता है वो आप याद ध्यान में रखना है, तभी अच्छी तरह से बन जाएगा। तो अब देखिए अब ये लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में, तो लॉग एम प्लस एन आ जाएगा, तो यहाँ पर लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू हो गया, फिर ये नेगेटिव होगा, और ये इसके साथ अब लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में है, तो फिर से इसको लॉग एम प्लस एन के फॉर्म में डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव के साथ लॉग एम एक्स माइनस थ्री प्लस फिर लॉग एक्स माइनस फोर, सारे पे प्लस पॉजिटिव जा रहा है, लॉग एक्स माइनस फाइव हो गया, और ये नेगेटिव साइन के साथ तारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो तब यहाँ हम क्या करेंगे, लॉग वाई लिखेंगे इक्वल्स वन बाई टू तो दिया हुआ ही था, और जो नेगेटिव जो यहाँ पे था इसको हम इस सब के साथ इंटू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ लॉग एक्स माइनस वन था प्लस
लॉग एक्स माइनस टू था, फिर यहाँ नेगेटिव के साथ क्या था, लॉग एक्स माइनस थ्री, और यहाँ पर जैसे कि प्लस है तो ये नेगेटिव माइनस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव हो गया। अब नेगेटिव साइन आ गया है कि नहीं, अब लॉग वाई इक्वल्स वन बाई टू है। अब हम क्या करेंगे, सारे को साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो लॉग वाई का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वन बाई वाई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू आएगा वन बाई टू तो कॉन्स्टेंट नंबर है, इसका डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, लॉग एक्स तो क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स मीन्स एक्स माइनस वन, फिर प्लस है, फिर वन बाय एक्स माइनस टू, फिर माइनस वन बाय एक्स माइनस थ्री, माइनस वन बाय एक्स माइनस फोर, माइनस वन बाय एक्स माइनस फाइव आ जाएगा, है कि नहीं, इसका डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अब ये जो वाई है इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स वन बाय टू, वन बाय एक्स माइनस वन प्लस वन बाय एक्स माइनस टू, माइनस वन बाय एक्स माइनस थ्री, माइनस वन बाय एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव यहाँ हो जाएगा। अब इंटू ये जो वाई था यहाँ पे इधर आ जाएगा, इंटू वाई हो गया, और वाई का हम वैल्यू फुट कर देंगे, ठीक है। तो वाई का वैल्यू क्या था, वाई का वैल्यू ये माने थे तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर टू भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट मानेंगे, लेट वाई इक्वल्स लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है, वाई मान लिए इसको। अब क्या करना है, आपको दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो यहाँ लॉग वाई हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल्स लॉग, यहाँ पर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये लॉग एम टू द पावर एन है तो ये एन आगे आ जाएगा, लॉग में वैसा ही होता है ना, तो यहाँ लॉग वाई इक्वल्स कॉस एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा वन बाई वाई का, तो वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये, और ये पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन मीन्स यू इंटू वी के फॉर्म में है, तो यू इंटू वी के फॉर्म में करते हैं डिफ्रेंशिएट, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन मीन्स लॉग एक्स, तो यहाँ वन बाई एक्स होगा, और फिर लॉग एक्स का वन बाई एक्स, तो एक्स लॉग एक्स आ गया, फिर प्लस दूसरा फंक्शन मीन्स लॉग लॉग एक्स पहले का डिफ्रेंशिएशन मीन्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो गया। अब देखिए, अब ये जो वाई था इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, इसको आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स बाय एक्स लॉग एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो नेगेटिव था इन था और ये पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव या नेगेटिव हो गया, और लॉग लॉग एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा यहाँ, और फिर इसको हमको वाई से इंटू कर देना होगा, तो वाई से इंटू कर देंगे और वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, तो वाई का वैल्यू क्या लिखा है, माने थे हम लोग लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, तो यहाँ क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, और ये जो था सारा लिख देंगे, कॉस एक्स बाय एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग लॉग एक्स
इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो हमारा वैल्यू ये निकला। क्वेश्चन नंबर थ्री भी बन गया। या क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा है एक्स टू द पावर एक्स माइनस टू थी टू टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर है। इसमें भी हम करेंगे वाई मान लेंगे इसको। तो लेट वाई इक्वल्स एक्स टू द पावर एक्स माइनस टू टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। और इसमें जब भी दो फंक्शन अलग अलग रहेगा तो उसमें u और v मान के बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये x टू द पावर x को u मान लेते हैं और टू टू द पावर साइन x को v मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो इसको इस साइड से लिख सकते हैं ना, dy वाई बाई डी एक्स और ये इक्वल्स डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। और इस फंक्शन du को हम पहला मान फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले को। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम वन, ठीक है, क्या है u, तो u इक्वल्स x टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इस पर क्या करेंगे, log पुट कर देंगे जैसे पहले कर रहे थे। तो log u इक्वल्स log x टू द पावर x और यहाँ पे log u आ जाएगा और ये जो x है ये आगे आ जाएगा, मैंने बताया था log का प्रॉपर्टी होता है, log x हो गया, x log x। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या आएगा, वन बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये इसका डिफ्रेंशिएट u इंटू वी के फॉर्म में है। तो ये पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन मीन्स वन बाई एक्स प्लस दूसरा फंक्शन मीन्स log x पहले का डिफरेंशिएशन, तो वन ही आएगा, है ना। अब देखिए, अब u को इस साइड भेज देते हैं तो यहाँ क्या होगा, du यू बाई डी एक्स और ये x कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस log x बचा और u का वैल्यू क्या कितना था, x टू दी पावर x, तो यहाँ x टू दी पावर x आ गया। तो ये क्वेश्चन इक्वेशन वन इतना आया, ठीक है। अब बनाएंगे इक्वेशन टू। तो फ्रॉम टू भी इक्वल्स क्या था, टू टू दी पावर साइन एक्स माने थे, तो ये हो गया भी। फिर इसमें दोनों तरफ लॉग पुट करेंगे तो लॉग भी इक्वल्स लॉग टू टू दी पावर साइन एक्स, ठीक है। और फिर ये जो पावर साइन एक्स है ये आगे आ जाएगा लॉग में, तो लॉग भी इक्वल्स साइन एक्स इंटू लॉग टू टू दी बेसी हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग का, तो देखिए इधर जो लॉग भी था उसका वैल्यू क्या आएगा, वन बाय भी इंटू डी भी बाई डी एक्स आ जाएगा। और इधर क्या था, तो साइन एक्स का, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये बाहर आ जाएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन जो था लॉग टू टू द बेस ही आ गया बाहर, और फिर वहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था, है कि नहीं। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो भी इस साइड आ जाएगा तो इसके साथ इंटू आ जाएगा, इधर इस साइड आएगा, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स लॉग टू टू द बेसी कॉस एक्स, और भी का जो वैल्यू हम माने थे क्या था, टू के पावर साइन एक्स। तो आपने देखा डी डी यू का भी वैल्यू आ गया, जैसे ये डी यू वन और टू माने थे, इसको हम क्या मान लेते हैं, स्टार मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया है, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आया है, तो इसको पुट कर देंगे वन पे, और डी वी बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया है उसको हम पुट कर देंगे इस पर। तो अब देखिए फ्रॉम स्टार, अब हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वन एंड टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वन एंड टू इन स्टार, स्टार पे पुट कर देते हैं डी यू बाई डी यू और यू और बी का वैल्यू। तो यहाँ क्या था, स्टार में डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स डी यू बाई डी एक्स
माइनस डी वी बाई डी एक्स, ऐसा था ना। अब हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे या डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना था, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू है वन प्लस लॉग एक्स एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है, लिखेंगे वन प्लस लॉग एक्स एक्स टू द पावर एक्स हो गया, माइनस डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, लॉग टू टू दी बेसी, लॉग टू टू दी बेसी कॉस एक्स इंटू टू टू दी पावर साइन एक्स है क्या। तो ये हमारा आंसर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस फाइव का पावर फाइव फोर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बनाना है, इसमें भी क्या करेंगे, लेट वाई मान लेंगे इसको, तो लेट वाई इक्वल एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस फाइव का होल पावर फोर हो जाएगा। और फिर हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग ले लेते हैं, लॉग y इक्वल्स लॉग x प्लस थ्री का होल स्क्वायर x प्लस फोर का होल क्यूब x प्लस फाइव का होल पावर फोर, ठीक है। और लॉग m इंटू n की ये फॉर्मूला है, तो लॉग सारे पे लॉग चला जाएगा और प्लस का साइन आ जाएगा इंटू की जगह, ठीक है। तो देखिए लॉग y इक्वल्स लॉग x प्लस थ्री का होल स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पर भी लॉग आ जाएगा, लॉग x प्लस फोर का होल क्यूब हो जाएगा प्लस लॉग x प्लस फाइव का पावर फोर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो लॉग y का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और लॉग x, तो इसका लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा वन बाय एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अब इसका भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, तो जब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा ना। अब चाहें तो उस टाइप से भी बना सकते हैं और इसको एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो एन एक्स एन माइनस वन मीन्स टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, यहाँ टू एक्स प्लस थ्री एक्स टू दी पावर एन के फॉर्मूले पे हो गया। अब देखिए इसका भी वन बाय एक्स मीन्स एक्स प्लस फोर का होल क्यूब हो जाएगा, और जब इसका एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में फिर से इसको यूज करेंगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस वन बाय एक्स प्लस फाइव का होल पावर फोर हो जाएगा, और फिर ये जो है फोर एक्स टू द पावर एन चेन रूल से फोर आ जाएगा, यहाँ एक्स प्लस फाइव का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वन वाई है इसको इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर एक्स प्लस फोर का होल क्यूब, ये तो हमारा दिया हुआ है जो ऊपर में वही लिख रहे हैं, प्लस फोर एक्स प्लस फाइव का होल क्यूब एक्स प्लस फाइव का होल पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वाई से इंटू कर देंगे, ये जो वाई था इस साइड आ गया तो वाई से ये इंटू हो जाएगा, तो वाई का जो वैल्यू पुट कर देंगे जो कि ऊपर में था तो आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।